पहुंच चुके हैं अपनी पहली लोकेशन रेड एपल, ये सामने रेड एपल है। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन हसन जाइए, सामने हसन जाइए। यहाँ से हम जो अपना दूसरा क्लब सैंडविच ले लेंगे। डब्बे के ऊपर तो सारी फ्राइज भरी हुई है और ये देखने में भी जो है वो बहुत हैवी लग रहा है। इसका वजन जो है ना मुझे कम से कम 1 किलो तो लग रहा है। इसका डब्बा भी खोल लेते हैं। डब्बा खोलते ही हमें इसके जो है ना वो क्लब सैंडविच नजर आ गए। ये 4 पीसीज, उसमें भी 4 पीसीज है, इसमें भी 4 पीसीज है सैंडविच के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारे फूड कंपैरिजन की एपिसोड नंबर 14 है। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हुजैफा है। बाकी का प्लान आपको हुजैफा बताएगा कि कहाँ जाने वाले हैं और किस चीज में कंपैरिजन करने वाले। तो हाँ हुजैफा, हम कहाँ जाने वाले हैं आज और किस चीज में कंपैरिजन करने वाले हैं? भैया आज का हमारा प्लान ये है कि हम क्लब सैंडविच के अंदर जो है ना कंपैरिजन करेंगे। हम जो पहले जाएंगे रेड एपल, रेड एपल के बाद हम जाएंगे हसन जाई। ब्रांड वर्सेस लोकल करेंगे आज हम, ठीक है। रेड एपल जो है ना सिर्फ कराची में ही है, इनकी ब्रांचेस और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है ये सिर्फ कराची के अंदर है, पाकिस्तान में। तो हम आज इसको कंपैरिजन करेंगे लोकल से और आपको बताएंगे कि ज़्यादा मज़ेदार किसका है। तो चलिए चलते हैं, पहले रेड एपल फिर उसके बाद हसन जाई। चुके हैं अपनी पहली लोकेशन रेड एपल, ये सामने रेड एपल है। मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने यहाँ की कोई चीज़ ट्राई नहीं की। आज पहली दफ़ा क्लब सैंडविच ट्राई करने लगा हूँ। तो हुजैफा से पूछ लेते हैं, हुजैफा पहले कभी यहाँ आया हो? हाँ हुजैफा आए हो आप पहले कभी यहाँ पे? अपने कज़न को लेके आया था अम्मार भाई को यहाँ पर ना, तो बहुत अच्छा था। हमने इनका बारबेक्यू रोल खाया था तो वो अच्छा था। तो आज हम जो है ना क्लब सैंडविच भी यहीं का ट्राई करने आए हैं और देखते हैं आज क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं तो पहली दफ़ा ट्राई करने लगा हूँ। अभी हम जाके जो है वो क्लब सैंडविच ले लेते हैं, फिर घर जाके उसका कंपैरिजन करेंगे। 500 रुपये एक दर्जन। क्लब सैंडविच हमने जो है वो ऑर्डर कर दिया, हमें पड़ा है 500 रुपये का ये। चलो रेड एपल से हमने अपना क्लब सैंडविच ले लिया। अब हम जा रहे हैं हसन जाई अपनी सेकंड लोकेशन पर। वहाँ से भी हम लोग क्लब सैंडविच लेंगे, फिर घर जाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे दोनों में। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन हसन जाइए, सामने हसन जाइए। यहाँ से हम जो अपना दूसरा क्लब सैंडविच ले लेंगे और फिर घर जाके इसका कंपैरिजन करेंगे। हसन जाई जो है हम वो 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। चाय और मेरा ख्याल जिंगर रोल का हमने कंपैरिजन किया था। आज हम इसका क्लब सैंडविच ट्राई करने वाले हैं, फिर देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतेगा। हसन जाई से भी हमें अपना क्लब सैंडविच ले लिया। अब हम घर जा रहे हैं दोनों में कंपैरिजन करने। हम लोग आ चुके हैं। ये हमारे पास हसन जाई का सैंडविच और ये हमारे पास रेड एपल का सैंडविच। ये हमें मिला है हसन जाई का 350 रुपए का और रेड एपल का हमें मिला है 500 का। तो पहले हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। डब्बे के ऊपर तो सारी फ्राइज भरी हुई है और ये देखने में भी जो है वो बहुत हैवी लग रहा है। इसका वजन जो है ना मुझे कम से कम 1 किलो तो लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है ये। बाकी इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें 2 पैकेट छोटे छोटे कोल्स्लो के निकले और ये बाकी फ्राइज भरी हुई है। सैंडविच तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सैंडविच जो उन्होंने फ्राइज के नीचे छुपाया हुआ है, ये देखें। फ्राइज मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे रखनी पड़ेंगी तभी मेरे को सैंडविच नजर आएगा। बहुत ज्यादा इन्होंने जो है फ्राइज देके पूरे डब्बे में भरी हुई है। ये इसमें सैंडविच के 4 पीसीज है, ये देख लें आप। 4 पीसीज सैंडविच इसके हैं इसमें। तो अब हम खोल लेते हैं अपना रेड एपल का क्लब सैंडविच, देख लेते हैं इसकी शॉपर में क्या क्या है। ये यहाँ एक पे कोल्स्लो की छोटी सी डिब्बी निकली है यहाँ पे और ये 2 केचप के साशे हैं इसमें। और इसका डब्बा भी खोल लेते हैं। अब डब्बा खोलते ही हमें इसके जो है ना वो क्लब सैंडविच नजर आ गए। उसमें जो है ना बहुत ज्यादा फ्राइज थी, इसमें देखें ये फ्राइज की क्वान्टिटी भी कम है। और ये 4 पीसीज, उसमें भी 4 पीसीज है, इसमें भी 4 पीसीज है सैंडविच के। तो पहले जो हम हसन जय का क्लब सैंडविच और फ्राइज ट्राई कर लेंगे। फ्राइज जो है वो इसकी नॉर्मल सी है, कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब हम ट्राई कर लेते हैं इसका क्लब सैंडविच। ये क्लब सैंडविच में देखें आप, ये चिकन है, इसमें केचप वगैरह मायो है और ये साथ में अंडा वगैरह है। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं पहले। हसन जई का जो है वो क्लब सैंडविच ट्राई कर चुका हूँ। इसमें अंडा मायो और चिकन का जो मिक्स होकर जायका आ रहा है वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। और आप इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं, बहुत हैवी लग रहा है देखने में ही और बहुत मजेदार है ये। तो अब हम ट्राई करने लगे हैं रेड एप्पल का क्लब सैंडविच। पहले जो है इसकी वो फ्राइज ट्राई कर लेते हैं। हसन जई की जो फ्राइज है वो थोड़ी सी नरम लग रही थी, ये कड़क है, इसको भी चेक कर लेते हैं खा के। अच्छा, इसकी जो हसन जई की प्राइस थी वो बिल्कुल ताज़ा लग रही थी। इसकी जो प्राइस है ना वो थोड़ी ऐसी लग रही है, काफी देर से पड़ी हुई पुरानी सी जो होती है ना उस तरह की लग रही है, काफी देर की रखी हुई लग रही है। तो अब इसका क्लब सैंडविच भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम चीजें हैं। इसमें मुझे अंडा नजर नहीं आ रहा, इसमें भी मायो और चिकन वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसमें अंडा नजर नहीं आ रहा। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। रेड एप्पल का भी मैं सैंडविच ट्राई कर चुका हूँ। रेड एप्पल में टेस्ट में ज्यादा मजेदार है, क्वांटिटी वाइज जो है ना ये विनर नहीं है। इसमें क्वांटिटी में फ्राइज भी बहुत कम है और सैंडविच भी जो है ना वो बिल्कुल हल्का है इसका। तो टेस्ट में ये ज्यादा मजेदार है, टेस्ट के लिहाज से जो है ना वो विनर आज का है रेड एप्पल। क्वांटिटी के लिहाज से आज का विनर है हसन जई। तो रेड एप्पल जो है वो आज का विनर है। रेड एप्पल को मैं टेस्ट की बेस पे जितवा रहा हूँ। रेड एप्पल को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा और हसन जई की जी क्वांटिटी है ना, हसन जई की जो क्वांटिटी है उसकी वजह से मैं उसको 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आप देखें कितना हैवी है। रेड एप्पल जो है वो आपको सिर्फ कराची में मिले। कराची में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, शारा फैसल पे, हैदरी पे और क्लिफ्टन पे, और भी इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेज है। हमें नहीं पता, आपको पता होगा, आप खुद ही जाके देख लें। ये तो मैं मजाक कर रहा था। मेरे कहने का मकसद ये था कि आप लोग नेट पे सर्च करके चले जाना। अब सारी लोकेशन हम थोड़ी बता देंगे, आप लोग भी कुछ मेहनत करो। सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप हमारा जो है ना वो इतनी मेहनत कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और लाइक और शेयर कर दें। हम इतना सा आप लोगों से मांग रहे हैं, बाकी हम हमारी मेहनत हम खुद कर लेंगे, टेंशन नहीं ले आप। तो दोनों का कंपेरिजन करके मैंने आपको बता दिया आज का विनर जो है वो रेड एप्पल है टेस्ट की बेस पे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल फूड लैब को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।